ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करने आया हूं। आज मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था पूरा। आज एज एस्ट्रोलॉजर आपके सामने नहीं उपस्थित हूं, आज एज अ रिसर्चर आपके सामने उपस्थित हूँ। केस को मैं चेक कर रहा था, मैं केवल दो ही केस महाराष्ट्र में थे और धीरे धीरे आज के डेट में अगर देखा जाए तो 1000 के स्पीड से जिस तरीके से महाराष्ट्र में केस बढ़े हैं, ये 11,000 का आंकड़ा हो चुका है। प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हमारा पूरा हिंदुस्तान बच सकता है और मुझे आप सबकी प्रतिक्रियाएं इसमें चाहिए। अगर मेरी बात पसंद नहीं आए तो गालियां दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आज मैं कहने आया हूं आप लोगों के सामने, इसको गौर से समझिए। मैं लगातार 2 दिनों से डेटा पर रिसर्च कर रहा था, फिर मैंने उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन लगाने की कोशिश की, मैंने उसमें एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर यूज़ किया और आज जब अनाउंसमेंट हुआ 17 मई को लॉकडाउन, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो उस कैलकुलेशन पे केवल मुंबई मुंबई में, केवल मुंबई मुंबई में 17,000 केसेस हो जाएंगे 17 मई तक, और महाराष्ट्र में लगभग 28 से 30 हजार केसेस हो जाएंगे। आप देखिए, मानिए या ना मानिए, ये मैं गणितीय कैलकुलेशन से बता रहा हूँ, मैं इसे ज्योतिषीय कैलकुलेशन से नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं सभी देश के जितने भी माननीय लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय लोग हों, या जिला पार्षद के लोग हों, प्लीज़ मेरी बातों को समझिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ही हम बच पाएंगे, क्योंकि मैंने हर ज्योतिषीय कैलकुलेशन लगा कर देख लिया और कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आप को मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ दिन पहले, आज से 3 या 4 दिन पहले, हमारे गोरखपुर में एक भी केस नहीं था। इसका मतलब हम ग्रीन जोन में थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो हम ग्रीन जोन में थे। आज के डेट में 2 केस एक्टिव हो गए और ये 2 केस एक्टिव होने के बाद मेरी नजर गई तुरंत महाराष्ट्र में, 10 मार्च को 2 केस ही एक्टिव थे केवल, और ये 2 केस से 11,000 केसेस बढ़ गए, तो ये अति खतरनाक है। इसमें चेन रिएक्शन स्प्लिट हो रहा है और महाराष्ट्र में कहा जाए तो थर्ड स्टेज तक तो ये पहुंच ही गया है। मैं आप सभी से ये वादा करता हूं कि अगर आप इसको, सभी से वादा करने का मतलब अपने देश के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, राजनेता लोग हैं,
उनसे मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। अगर हम गोरखपुर के जो दो एक्टिव केस हैं उसको निकाल करके उन दो को हटा दिया जाए और उनको किसी एक ऐसे जगह पर रख दिया जाए जहाँ पर जिसका नाम हम हॉटस्पॉट डाल देते हैं, वो जगह कहीं पे भी हो सकता है। इसमें किसी ना किसी एक जगह में ही रखना चाहिए सभी को, तो गोरखपुर अपने आप ग्रीन जोन में आ जाएगा। ज्योतिषीय विश्लेषण में मैंने ऑलरेडी देखा है कि पूर्वोत्तर जगह पर ये चीज़ें कम हो रही है, तो अगर हम अंडमान निकोबार वाली बात करें और वहाँ पर, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं इसमें ज्योतिषीय भी लगा रहा हूँ और अपनी गणित भी लगा रहा हूँ। अगर हम अंडमान निकोबार में गोरखपुर के दो उस एक्टिव केस को ले जाकर रख दें और वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स जो दिया जाता है उनको रखा जाए, तो गोरखपुर ऑरेंज से ग्रीन जोन में आ जाएगा। इसी तरीके से इसके बगल में संत कबीर नगर पड़ता है, 23 केसेस हैं। वहाँ से भी अगर उन 23 लोगों को एक एक्स प्लेस, मैं एग्जाम्पल में अंडमान निकोबार रखा हूँ, आप कोई भी एक जगह बना लीजिए, पूरे भारत में कोई एक ऐसा जगह बना लीजिए जहाँ पर केवल कोरोना के मरीज हो, और इसके लिए किसी एक राज्य को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और ये राज्य जिसने कुर्बानी दिया वो राज्य पूरे संसार के लिए मिसाल बन जाएगा, और धीरे धीरे बेटर होगा कि भारत से अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश में जो बाहर का जो एरिया है अगर हम वहाँ पर सभी को रखते हैं, जैसे हमारे पास आइलैंड भी, अंडमान निकोबार आइलैंड है, दमन एंड द्वीप है, कैपेसिटी ऐसी भी नहीं कि बहुत कम है, कैपेसिटी ज़्यादा है, अगर हम किसी तरीके से वहाँ पर मेडिसिन पहुँचा सकते हैं, किसी तरीके से अगर हम वहाँ पे हॉटस्पॉट को अरेंज कर सकते हैं, जैसा कि माननीय मोदी जी ने बोला था कि ट्रेन में भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो ट्रेन में भी इनका इलाज एक हम हॉस्पिटल के तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में हम 2 से 3 बढ़ रहे हैं, फिर सही कर रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, फिर वो 1 हो जा रहा है, हम इसी चीज़ से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इन केसेस को एक जगह पर कलेक्ट कर लिए, यूपी के सारे 2200 के जितने केसेस सबको उठाकर एक जगह रख दिया, यूपी 0 हो जाएगा एक्टिव केसेस में। इसी तरीके से अगर हम हर स्टेट के सारे लोगों को एक ही जगह पर रख दें, अभी टाइम है, सोच लीजिए अभी टाइम है। हालांकि ये काम बहुत पहले अगर किया जाता तो अच्छा होता, मैं ये बिल्कुल भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पर कि अच्छा काम नहीं हुआ है, अभी तक बहुत अच्छा काम हुआ है, और सारे राष्ट्रभक्त भक्त, सारे राष्ट्रभक्त देशभक्त इस चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन केवल हम सोशल डिस्टेंसिंग से ऐसा काम कर लें, केवल हम रोक पाएंगे चीज़ों को, जो कि हम रिकवरी रेट तो बढ़ रहा है लेकिन जिस हिसाब से ये हो रहा है, मेरे ख्याल से ये तो प्रोसेस 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का प्रोसेस लग जाएगा, और इसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें जब तक एंटीडोट नहीं मिलेगा तब तक हम पटरी पे नहीं आ सकते। और भारत के जितने भी कोरोना पेशेंट हैं आज की डेट में एक्टिव, लगभग जो 25,000 के जो कोरोना पेशेंट हैं, क्या हम उन 25,000 को, भाई यूएसए का डेटा देखिए तो एक एक दिन में 25,000 केवल इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हमारे भारत में कुल मिलाकर 25,000 है, अभी भी समय है। अगर हम इन 25,000 को एक जगह पर रख दें कहीं पे और पूरे बॉर्डर को सील कर दें, डॉक्टर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्की काम है, लेकिन अगर हम ऐसा कर दिए तो निश्चित रूप से बाकी जगह पर तो अर्थव्यवस्था सही होने लगेगी और धीरे धीरे
जहां पर कोरोना इफेक्ट है, ये हमें पता चलेगा कि बाकी राज्यों में अब 0-0-0 होने लगा। और देखा जाए तो केवल 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं, बाकी राज्यों में कम केसेस हैं। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर इसको दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वीडियो को वायरल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये मेरी थॉट है और ये थॉट मेरे अंदर कहाँ से आई है मुझे नहीं पता। मैं अभी डेटा एनालिसिस करते करते पूरा निराश हो चुका था। मैंने ऐसा कैलकुलेट किया है, 17 मई का जो लॉकडाउन है उसमें पूरे भारत में 80 से 85 हज़ार केसेस हो जाएंगे और महाराष्ट्र में केवल 28 से 35 हज़ार के केसेस हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर हम उनको एक जगह कहीं पर ले जाकर रख दें, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। वैसे ही हम लोग क्या रिस्क जो अभी हम लोग ले रहे हैं वो कम है? ये काम इतना आसान भी नहीं हो सकता, कैसे उनको एक जगह पर ले जाया जाएगा? लेकिन सरकार चाहे, अगर हम चाहें तो निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये सुझाव पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से इसको आप शेयर कीजिए सभी को, और अगर ये बातें आपको भी लगती है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लाइक कीजिए ना कीजिए, लेकिन प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही भारत को सही कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, लेकिन आज मैं केवल अपनी सोच बता रहा हूँ। मैंने मैथमेटिक्स के सारे फार्मूले यूज़ कर लिए हैं, ज्योतिष के सारे फार्मूले यूज़ कर लिए हैं, लेकिन मुझे केवल तो यही रास्ता दिखाई दे रहा है। जब तक एंटीडोट नहीं आएगा तब तक तो स्पीड बढ़ता जाएगा। हाँ, जिस दिन एंटीडोट आ जाएगा उस दिन तो एक ही बार में आप समझिए कि जितने भी जगह केसेस बढ़े हैं जिस स्पीड से, उसी स्पीड से कम भी हो जाएंगे। तो फिलहाल जब बनेगा, जब मार्केट में आएगा, तब तक तो पता नहीं कितनी संख्या बढ़ जाएगी, जिस प्रकार से डेली बढ़ रहा है आंकड़ा। तो देखते हैं कहाँ तक मेरी बातों पर अमल किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय।